अब लाइए पैनल को और लेकर आइए डॉक्टर साहब टॉप कॉल कास्टिंग। भैया आप सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर दी जाए ओवरनाइट स्टडी के बाद जो एक्सपर्ट एक एक बेहतरीन आज फ्राइडे के लिए पिक लेकर आए। गाबा सर क्या हाल चाल, पहला पिक आज का कौन सा सर? बिल्कुल गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज का जो पहला पिक है वो टेक्नोलॉजी पैक से है, वो है HCL टेक। उसका रीजन ये है कि बहुत अच्छा अप मूव मिला हुआ है, एक साइडवेज जोन था कल के लास्ट एक घंटे में, काफी अच्छा अप मूव मिला। ट्रेड करा है 1667 पर, स्टॉप होगा 1660, सिर्फ 7 रुपए का। स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मूव मिला है, जो बार बना हुआ है उसके हिसाब से लगता है 1700 तक जाना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड तो फेवर में है ही, तो ये ध्यान देना चाहिए HCL टेक में आज। ओके HCL टेक हो गई गाबा सर के पिक का। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग, शिल्पा जी आपकी ट्रेड? जी मेरा ट्रेड रहेगा मैक्स फाइनेंशियल में। मैक्स फाइनेंशियल रोल ओवर्स भी बहुत हाई हुए हैं और यहाँ पे स्टॉक एक अपसाइड ट्रेंड में भी क्लोज भी दिया हुआ है, तो अराउंड 970 ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ऑन एवरी डिक्लाइंस टूवर्ड्स 950 आपको बाय करना चाहिए, 935 का स्टॉप लॉस। यहाँ पे मुझे लगता है 1000-1020 के आपके फर्स्ट टारगेट्स के जोन्स रहेंगे। इसके ऊपर भी मुझे लगता है ये सीरीज में 1050-1070 के लेवल्स के लिए डेफिनेटली एक बार अप्रोच लेगा। मैक्स फाइनेंशियल्स रडार पर रखिए, गिरावट में खरीदारी करने का शिल्पा जी का मन। मानस हाय गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कल मॉर्निंग में तो एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन स्टॉक 20-day मूविंग एवरेज के नीचे से बाइंग देखने को मिली स्टॉक में, और पैटर्न जिस तरह के बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। तो श्रीराम फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2384 ये कैश लेवल्स हैं, 2384 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 2550 के आपको टारगेट सेट करने हैं श्रीराम फाइनेंस में। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 2440 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 107 रुपए के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो उस प्राइस के आसपास मिले तो खरीदारी करिए 84 रुपीस के स्टॉप लॉस से 150 रुपए के टारगेट के लिए। ओके चलिए आशीष भाई जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी अनुज जी आज की ट्रेड रहेगी इंडस्ट्रियल एविएशन पे, खरीदारी की सलाह रहेगी। कल स्टॉक में हमने देखा 20-day मार्क के नीचे स्लिप जरूर हुआ इंट्राडे में, बट एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला, तो इसमें खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो 3100 का, और जो टारगेट्स है 3220 और 3250 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन बहती साहब का आज का टॉप कॉल। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग, आज का प्रेफर्ड पिक सर? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए नजर है मेरे पीडी लाइट पे, कल हमने लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखी, इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स का रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट किया एंड तक। अगर आप चार्ट भी देखें तो इट्स अ ब्रेकआउट, फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो आज जो भी डिप मिले इसे बाय करें, 2720 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और जो टारगेट है मेरा पीडी लाइट का वो है 2800 का। पीडी लाइट यहाँ पर एक मैनेजमेंट चेंज भी है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा वैसे। प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं, प्रशांत जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी आशीष जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों। एक छोटा सा लॉजिक शेयर करना चाहूंगा, क्यों ट्रेड ले रहा हूं। जो भी इलेक्शन ईयर होता है उसका जो मार्च का महीना होता है वो काफी ट्रेंडेड होता है, और इसमें लीड करता है बैंक निफ्टी। ये मैं 2004, 9, 14 और 19 के डेटा के बेसिस पे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब तक बैंक निफ्टी में 45,000 स्पॉट इंटैक्ट है, इस वीकनेस में भी हम 45,500 को ब्रेक नहीं किया है, तो मैं बैंक्स के साथ जाना चाहूंगा। फिलहाल जो प्राइवेट बैंक है उसमें थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है, यानी एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, बट मुझे SBI में एक अच्छा डिप नजर आ रहा है, तो मैं SBI अपना पिक रखूंगा 750 के नीचे, 748 कल की क्लोजिंग है, 735 मेरा स्टॉप लॉस होगा, 735 जो टारगेट मैं देख रहा हूँ वो होगा 770 का, 770 से लेके 775। ब्यूटीफुल भाई, हिस्ट्री कहती है इलेक्शन ईयर जब होते हैं तो मार्च का महीना ट्रेंडिंग होता है, और उसमें भी निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करता है। चर्चा भी कर रहे थे हम मार्च का महीना शायद इस बार भी बढ़िया होने के समीकरण बैठ रहे हैं, ले ये डेटा भी जस्टिफाई कर रहा है, हिस्टोरिकली ऐसा हुआ भी है। दमखम इस समय प्राइवेट में नजर नहीं आ रहा, सरकारी में नजर आ रहा है, तो सरकारी में दिग्गज SBI के साथ सावंत साहब जा रहे हैं।
आज रिलेटेड सारे बढ़िया से पिक स्क्रीन्स पर आ चुके हैं, पर अहमदाबाद चलते हैं पार्थिव शाह के पास। जानते हैं ट्रेकॉम में अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर आता है आजकल कि पार्थिव भैया एक ऐसा फंडामेंटल स्टॉक खरीदवा दीजिए जो गजब कर दे, तो ये कौन सा रिकमेंड करते हैं? पार्थिव क्या बोलते हैं उसको आप लोग? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनु जी, हमारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स। देखिए, हमें लग रहा है कि एक सेकेंडरी स्टील एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे अभी के तारीख वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव है और आगे जाते प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। तो उसमें मुझे लगता है गोदावरी पावर इस्पात एक ऐसी कंपनी है जो आज के तारीख में 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है, 700 करोड़ की कैश पड़ी हुई है जिसको बहुत अच्छी तरह से कैपिटल एलोकेट कर रही है कंपनी। और ट्रेल मल्टीपल पे देखे तो 11 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है और ईवी एबिटा के फ्रंट पे 6.5 का ईवी एबिटा है। तो मैं काफी पीयर्स के साथ देख रहा था तो रिलेटिवली ये कंपनी काफी चीप है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास जिस तरह की माइनिंग एसेट्स है, अरी डोगरी की जो माइन है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे करीबन 165 मिलियन टन का रिजर्व्स है और वहाँ पे 35 ईयर्स की माइन लाइफ है, तो उनको कोई एडिशनल प्रीमियम या रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती एज कम्पेयर टू जो माइंस बिड होती है और उसमें जो एडिशनल रॉयल्टी आती है, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपनी के लिए। अभी की माइनिंग कैपेसिटी करीबन 3 मिलियन टन्स की है जो FY25 अंत तक एक्सपेक्टेड है कि EC मिलने के बाद दैट विल एक्सपैंड टू ऑलमोस्ट 6.5। तो आई थिंक एक डेफिनेटली क्लियर कट रोड मैप है कि माइनिंग कैपेसिटी आने वाले 2-3 साल में डबल होगी। नॉट ओनली दैट, कंपनी उनकी जो पैलेट प्लांट है जो अभी की तारीख में कैपेसिटी उसको डबल करने वाले, तो वो भी एक अच्छा रोड मैप है और स्टील कैपेसिटी भी 2.5 मिलियन टन की डालने वाले हैं। तो आने वाले 4 से 5 साल में रोड मैप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये स्टॉक को एंट्री कर सकते। भाई साहब, एक सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर गोदावरी पावर एंड इस्पात, पार्थिव ने ब्यूटीफुली जस्टिफाई करा है क्यों पसंद आता है लंबी अवधि के लिहाज से, खरीदने के मौके यहां पे ढूंढे जा सकते हैं। चलिए रैप अप कर रहा हूं, उसके बाद हर्षदा स्क्रीन पे रेडी हैं, उनके पास चलेंगे आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज के। गाबा सर ने शुरुआत करी, HCL टेक्नोलॉजीज पसंद आ रहा है, 1660 का स्टॉप, 1700 तक के लक्ष्य। शिल्पा जी को मैक्स फाइनेंशियल्स पे दाव लगाने का मन, बाय ऑन डिप्स स्पेसिफाई किया था उन्होंने, 935 का स्टॉप, 1000 और फिर उसके बाद 1070 तक की कर लीजिए तैयारी। मानस कह रहे हैं श्रीराम फाइनेंस, कैश में खरीदारी कर रहे हैं तो 2384 का स्टॉप है, 2550 के लक्ष्य है, चाहे तो 2440 का कॉल भी श्रीराम फाइनेंस का खरीदा जा सकता है। बहती साहब को इंटरग्लोब एविएशन पे दाव लगाने का मन, कल अच्छा मूव्स के साथ दिन के हाईस पे बंद भी हुआ है, 3100 का स्टॉप है, 3220-3250 के टारगेट्स। सतपुते साहब पिडलाइट पे दाव लगा रहे हैं जहां पे एक मैनेजमेंट रिजिक का अनाउंसमेंट भी आता हुआ, 2720 का स्टॉप, 2800 के लक्ष्य। सावन साहब बैंक्स मार्च में रडार पे रख रहे हैं और उसमें इस समय की सबसे प्रेफर्ड पिक है SBI जिसमें ट्रेड लिया जा सकता है, 735 का स्टॉप है, 770-775 तक के लक्ष्य है और फंडामेंटली कुछ पिक एंड चूज करना है तो ट्रेकॉम और पार्थिव मानते हैं कि इन लेवल्स पे गिरावट में गोदावरी पावर एंड इस्पात लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।